Okay, so we finally reached at Elephanta Cave and the ride was really amazing and बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया, थैंक यू भाई। तो हम लोग को अभी एक बजे यहाँ पे रिटर्न आने का, इस तरीके का है बोट जो है। अच्छा, इज अ क्रूज है एंड एक बजे हमें आने का है, जब तक यहाँ पे एलिफेंटा एक्सप्लोर करके आते हैं, चलो। अरे ये क्या, वेयर इज इंट्रो? वेट वेट वेट, ये वही वीडियो है जो आप देखना चाहते हो, बट ये वीडियो दो स्टोरी में डिवाइडेड है। सो हम लोग बहुत सुबह सुबह आए, मीन अप्रोच 10 बजे आए एंड यहाँ पे एक्चुअली अब तक स्टॉल्स ओपन नहीं हुए। इससे पहले वाला वीडियो में एक स्पेशल बोट है जो आपको 30 मिनट्स में एलिफेंटा केव पहुँचा देगा। साउंड इम्पॉसिबल राइट, बट इट्स ट्रू। मेरे चैनल में उस बोट का वीडियो है। तो बहुत सारे स्टॉल्स ओपन होते हैं एंड पीछे टॉय ट्रेन भी है, अब टॉय ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे लोग के लिए बेस्ट है। तो पीछे जैसे आ रही जो है ट्रेन, वो टॉय ट्रेन है एंड बीस नज़दीकी है एंड यहाँ पे मौसम में हम लोग अभी एक्सप्लोर करने वाले एंड अब जो टॉय ट्रेन आप देखोगे ना, बहुत मस्त है। बट हम लोग बाय वॉक जा रहे हैं क्योंकि नज़दीकी है, पिछली बार एक बार आया था। आपको जैसे टॉय ट्रेन दिखा देता हूँ, टॉय ट्रेन कुछ इस तरीके का टॉय ट्रेन है, ये ऐसा जाएगा और डायरेक्ट आपको आगे तक वहाँ पे छोड़ देगा। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बच्चों लोग के लिए बेस्ट है। अच्छा, सफ़र करके एलिफेंटा के पहुँच तो गए, पर एंट्री करने से पहले आपको एक कूपन मिलता है जो ये है, आपको एलिफेंटा के प्रॉपर गाइड करेगा। 349 का कूपन रहता है तो ये आपको मिलेगा एंड साथ में आपको बैंड मिलता है कुछ इस तरीके का। तो ये पूरा राइड और यहाँ पे घूमने के बाद आप जब सेम जो बोट से आप निकलोगे तो लास्ट में आप निकाल देना। इस तरीके से यहाँ पे कुछ मार्केट है, तो सुबह सुबह ओपन हो गया यहाँ पे, बट पीछे जब स्टार्टअप में नहीं था। कुछ अच्छा है खाने को, चाहिए तो स्ट्रीट फूड भी खा सकते, समय भी है। तो यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें टिकट लेना पड़ेगा एंड टिकट लेके आगे राइड, आगे जो डेस्टिनेशन है पता चल जाएगा। दोन। हाँ ओके, टिकट तो मिल गया, अभी जाते अंदर। और यहाँ पे मैंने सुना था कि यहाँ बंदर भी है, तो बंदर भी है तो थोड़ा संभल के बस, तो यहाँ पे बंदर भी रहेंगे तो संभल के। और यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्टॉल्स है, तो अभी स्टार्ट हो रहे हैं एंड हम लोग आएंगे तब कुछ देखते, क्योंकि पहले तो हम लोग एक्सप्लोर करना है पूरा एरिया। ओके, एंट्री तो कर ली पर अभी 120 स्टेयर्स चढ़ना बाकी है और साथ में बंदरों से भी बचना बाकी है। ओके, सो हम लोग ऑन द वे ही है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे किस इस तरीके के, ये सब यहाँ पे मिलेंगे एंड साथ में यहाँ पे ना आपको गाइड चाहिए तो गाइड का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, आपको गाइड चाहिए तो गाइड प्रोवाइड करेंगे, वो लोग उनका चार्ज लेंगे एंड यहाँ पे खाने के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ होटल्स है एंड यहाँ पे बंदर है, बस संभाल के रहो, बाकी सब देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। एडेंटिक अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर्स एंड आपको मॉनिटर मिलेंगे, बहुत अच्छे, तो आप उसको लेके जा सकते हैं एंड गर्ल्स के ज्वेलरीज वाले टाइप में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली फॉर गर्ल्स दिस इज़ गुड प्लेस फोटो का, तो ज़रूर इधर एंड कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग भी आते हैं, जब भी आप स्टेयर चढ़ने के बाद जो नज़ारा मिला ना भाई, सच्ची फुल ऑन स्वेट। फिर एंट्री टिकट लेने के बाद फिर पता चला कि ओके, सो यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है एंड फोटो खींच सकते एंड फोटो जो है स्टैंड के स्टैंड यूज़ करके नहीं फोटो खींच सकते, जस्ट नॉर्मली आप नॉर्मल फोटो खींच सकते एंड यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। तो ये कुछ इस तरह वहाँ पे किए गए एंड जो भी होगा मैं आपको जैसे वीडियो एज अ वॉइस ओवर और मैं भी म्यूज़िक के थ्रू आपको वीडियो दिखा दूँगा। ओके, सो यहाँ पे वीडियो निकालना अलाउ तो नहीं है, तो कुछ कुछ फोटोज़ डालूंगा तो आप जरूर देख लेना एंड कुछ कुछ वीडियोज़ भी डालूंगा वो भी ज़रूर देख लेना। यहाँ पे फोटोज एंड वीडियो अलाउ नहीं है क्योंकि पीछे वॉचमैन भी है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा हम लोग थोड़ा कैसे वैसे कर रहे हैं।
The Elephanta Cave is located in western India of Elephanta Island, otherwise known as the Island of Gharakpuri. The most important thing about this island is the island and its resident caves received the name Elephanta from Portuguese individuals after the discovering of a black stone sculpture of an elephant on the island. ओके सो एज आई टोल्ड कि वीडियो निकालना अलाउ नहीं है तो आपको कुछ फोटोज़ दिखा दूंगा एंड यहाँ पे एक मेन चीज़ एक बात बता दूँ कि यहाँ पे आप सब आओगे ज़रूर आना कि ये जो फोटोज है और जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको इतना देखने मज़ा नहीं आएगा जबकि यहाँ पे रील आके आपको देखने मज़ा आएगा. बहुत अच्छा प्रेजेंट से जगह एंड बहुत अच्छा इको साउंड आता है, मज़ा आता है. आफ्टर वॉचिंग द ब्यूटी विच वॉज मेड विद द बेसाल स्टोन मुझे कोंडाना केव की याद दिला दी. हम सारे केव को एक्सप्लोर करने चले गए. ऑन दैट हम हमारे कुछ दोस्तों से भी मिले जो मस्ती कर रहे थे. ओके यहाँ पे हम लोग अभी वाटर ब्रेक ले रहे हैं एंड अभी हम लोग सेकेंड केव के पास है. तो यहाँ पे सेकेंड केव है एंड यहाँ पे जस्ट हम लोग थोड़ा बैठेंगे. इसके बाद टोटल मिला के 5 केव है. तो पहले वाला ने हम लोग एक्सप्लोर कर दिया, सेकेंड वाला ये है एंड हम लोग यहाँ से ऐसे ही जाएंगे क्योंकि सब में सेम ही होने वाला है. तो जस्ट बाय वॉक हम लोग यहाँ से अलग अलग आपको केव दिखा देंगे एंड यहाँ पे आओगे तब आपको प्रॉपर पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है ऐसा स्पेशल एंड क्यों इधर ज़्यादा लोग आते हैं. केव नंबर 2 यहाँ पे, तो ये है केव नंबर 2 जो यहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे हैं. सो सब सेम वैसे ही है एंड अभी बाद में अभी जाएंगे केव नंबर 3 के पास. तो कुछ इस तरीके से ही रहेगा केव नंबर 3 भी यहाँ पे. स्लोली धूप बढ़ रहा है एंड पसीना होने आया है हमें एंड यहाँ पे प्लेजेंट सा माहौल है, थोड़ा पर मज़ा आ रहा है, हवा बहुत अच्छी अच्छी आ रही है. तो लेट्स एक्सप्लोर. यहाँ पे लोग भी आए बहुत सारे. इट्स क्वाइट एम्प्टी बट इट्स लुक्स गुड. केव नंबर 3 है, तो केव नंबर 2 तो दिखा दिया, अभी केव नंबर 3 है. केव नंबर 4 पे जाते. दिस इज केव नंबर 4. तो ये नंबर केव नंबर 3 है, केव नंबर 2 उधर था. तो यहाँ पे है केव नंबर 4. तो ये कुछ इस तरह का एटमोसफियर मस्त है भाई, ठंडा हवा आ रहा है यहाँ पे. केव नंबर 4 में हम लोग विजिट नहीं किए, तो अभी सोच रहे केव नंबर 5 पे विजिट करने का. लेट्स सी केव नंबर 5 के पास जाके देखते हैं और थोड़ा विजिट भी करके देखते कैसा दिखता है, क्योंकि लास्ट केव है वो. तो केव नंबर 5 पे जाके देखते लास्ट केव नंबर. तो हमारी किस्मत ने हमें धोखा दिया है, तो केव नंबर 5 बंद है पीछे. तो केव नंबर 5 बंद है पर अभी देखते हैं, अभी यू टर्न मारते हैं एंड कोई और जगह होता था एक्सप्लोर करके देखते. केव नंबर 5 है जो है बंद है. एक्चुअली वहाँ पे ना स्टोन्स गिरते ऊपर से, तो पत्थर गिरते इसके लिए बंद है एंड वहाँ पे ना शिवलिंग है और कुछ नहीं, बस वहाँ पे शिवलिंग है एंड बाजू में वॉशरूम है. तो आपको अच्छा है कि आप वॉशरूम कर सकते हैं एंड यहाँ पे वैसे बहुत सारे सीढ़ीज है भाई. ये सब सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और सीढ़ी से आपको पीछे जाना पड़ेगा. केव नंबर 5 में इतना कुछ है नहीं. 4, 3, 2, 1 1 इज़ द बेस्ट वन. 1 जो है वो सबसे बेस्ट है एंड बोलते मेन वही केव है. आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द केव्स वी मूव टू कैलिन केव व्हिच वाज डिफरेंट. जैसे लोकल से पता किया तो यहाँ पे ना टोटल 50,000 पीपल्स आर लिविंग ओवर हियर एंड यहाँ पे हर जर्नी पे आपको एक एक स्टॉल मिलेगा खाने का. तो आपको बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पे आओगे तो खाने को मिल जाएगा, आप कैरी कर सकते एंड बस यहाँ पे कचरा मत कर देना क्योंकि यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा गिरा रहता है भाई. और यहाँ पे जो नज़ारा है वो देखने लायक है. तो जो चीज़ को देखने को आया था तो ये है. तो ये एक तोप है, बहुत बड़ा तोप है. तो आई डोंट नो इसका हिस्ट्री क्या है. यहाँ पे और कुछ तो है बट लेट्स सी, बस यही देखते वरना फिर आगे भी जाते. अच्छा, आफ्टर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग वी रीच एट द बेस, ईट सम स्नैक्स. ओके सो बेसिकली पूरा घूम के तो हो गया है, अभी हम लोग यहाँ पे आए थोड़ा खाने को. बहुत भूख लग रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तभी कुछ थोड़ा खा के फिर अपने बोट में जाएंगे एंड फिर वीडियो एंड करते हैं. सो खा पी सब हो गया, अभी बोट के पास जा रहे हैं एंड आई
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लगा होगा तो लाइक कर देना। इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना देख लेना, क्योंकि जिस बोट से हम लोग आए उस बोट में हम लोग जा ही रहे, तो उस बोट के बारे में भी थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो उस आपको पिछले वीडियो में पता चलेगा। तो इधर आई बटन में आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा वीडियो, ज़रूर जाके देखना, बहुत अमेजिंग वीडियो रहेगा। एंड आई जस्ट सी इन द नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, इंटरेस्टिंग और अच्छा आएगा। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, लव यू, लव यू।